हाय दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि सोशल आइकन्स कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं इन एलिमेंटर। ओके, लेट्स गो। ओके, तो ये हमारा वेबसाइट एग्जाम्पल के लिए है हमारा। ओके, और हम आ गए डैशबोर्ड में, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। उसके बाद हम आते हैं, मान लो फुटर में हमको बनाना है, ये फुटर में नहीं, हेडर में बनाना है। ओके, तो हम आ जाएंगे हेडर में, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ओके, इस पर आ गए रेफरेंस के अंदर में, और उसके बाद हम आ जाते हैं, चलो न्यू में आ जाते हैं। और न्यू में आने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज ओपन करोगे। ठीक है, ओपन करके भी आप इधर से भी जा सकते हैं। ओके, ये एडिट विद एलिमेंट। ओके, इस पर आप क्लिक करिए, और क्लिक हो गया, अब यहाँ पर हम आ गए। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना होगा। ओके, यहाँ से हम ले लेते हैं कंटेनर। ओके, मान लो इसको हमने ले लिया। ओके, ये आ गया। अब सोशल आइकन इंसर्ट करना है, तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है एलिमेंटर्स। ओके, यहाँ पर आप नीचे भी आकर के देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डायरेक्टली आप टाइप करिए सोशियल, सोशियल आइकन्स ये, और इसको आप ड्रॉप डाउन कर दीजिए। ओके, यहाँ पर ये आ गया। और अब इसमें हमको ऐड करना है अदर, अदर सोशियल और अकाउंट ऐड करना है सोशल आइकन्स। तो इसको हम ऐड करने के लिए ऐड न्यू पर, ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे, और यह आ गया। यहाँ से आइकन आप चेंज करेंगे। ठीक है, मान लो हमको ट्विटर का चाहिए, ट्विटर क्या क्या है इसमें एक बार देख लेते हैं। ओके, फेसबुक हो गया, ओके ट्विटर हो गया, और ये यूट्यूब हो गया। ओके, और टेलीग्राम, टेलीग्राम का नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, चलो यहाँ पर टाइप करते हैं, मान लो हमारा टेलीग्राम, तो टेलीग्राम का आइकन यहाँ पर मिल गया। ओके, हेलो, टेलीग्राम का यहाँ पर आइकन मिल गया, ये इस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम पर क्लिक करिए, और ये आ गया। इसको आप सेलेक्ट करिए, उसके बाद इंसर्ट करिए। ओके, इंसर्ट कर लिए हैं। अब ये देखिए राइट साइड में लास्ट वाला टेलीग्राम का आइकन आ गया। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सोशल आइकन्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, अब इसका जो कंटेनर है, इसको हम छोटा छोटा करना चाहते हैं या ऊपर ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करिए और इसको ड्रॉप डाउन ऊपर कर दीजिए, तो ये ऊपर आ जाएगा। ओके, अब मान लो इसको हम सेंटर में नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है। ओके, और इस पर क्लिक कर लेना, पहले इस पर क्लिक करिए। ओके, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट राइट का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, तो ये क्या है, ये सेंटर है, और ये लेफ्ट है, ये राइट है। ओके, तो राइट हमने ले लिया, और लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट हम ले लेंगे। ओके, तो हम राइट रखते हैं, राइट थोड़ा अच्छा लग रहा। ओके, अब इसका स्पेस हमको कम करना है, हाइट कम करनी है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर पेंसिल है, इस पर क्लिक करिए। साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए सोशल आइकन का, तो आपको आना है, इस पर हमने क्लिक कर दिया, और स्टाइल में आना है। स्टाइल में आप देखेंगे यहाँ पर साइज है इसका 24 पिक्सल। ओके, तो इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से। ओके, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं ये।